जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज का जो विषय है वो चराचर जगत के स्वामी प्रभु श्री राम के बारे में है। वैसे तो परमपिता परमेश्वर के अनेकों नाम है, ये जो नाम है ये 108 नाम जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताए थे वो है। एक समय की बात है जब भगवान शिव ने माता पार्वती को विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में बताया, विष्णु सहस्त्र नाम बताए तो माता पार्वती भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जप करने के बाद ही भोजन करती थी। एक दिन भगवान शिव भोजन के लिए जा रहे थे तो माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रही थी। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, आप भोजन ग्रहण करें। माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, मैं अभी विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर रही हूं, अतः आप भोजन कर लें। जप पूर्ण होने के पश्चात मैं भोजन कर लूंगी। तब महादेव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम जैसी वैष्णवी पत्नी पाकर परम सौभाग्यशाली हुआ। देवी, प्रभु श्री राम का नाम लो और भोजन ग्रहण करो, क्योंकि भगवान श्री राम का नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है, तो राम राम कहो और भोजन ग्रहण करो। माता पार्वती ने राम राम कहा, भगवान महादेव के साथ भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के पश्चात माता पार्वती ने कहा, हे देव, आपने श्री राम के नाम की तुलना विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर की है, तो जो उनके और भी ऐसे दिव्य नाम हो उनके बारे में आप बताइए। तो भगवान महादेव मुस्कुराए और कहा, हे देवी, जितने भी नाम हैं सब उनके ही नाम हैं, जितने भी रैकार आदि नाम हैं, रै से शुरू जो होते हैं वो सब नाम श्री राम के ही हैं। उनमें भी ये 108 नाम परम दिव्य हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने। ओम श्री राम है, रामचंद्र है, राम भद्र है, शाश्वत है, राजीव लोचना है, श्रीमान राजेंद्र है, रघुपुंगव है, जानकी वल्लभ है, जयित्र है, जितामित्र है, जनार्दन है, विश्वामित्र प्रिय है, दान्त है, शरण्य तरण तत्पर है, वाली प्रमथन है, वाग्मी सत्यवाद, सत्य विक्रम है, सत्यव्रत है, व्रतफल है, सदनवदास है, कौशल है, खरदंसी वराद पंडित है, विभीषण परित्राता, दस गिरी शुरहरा है, सप्तताल प्रभेता, हर को दंड खंडन है, जामदगंड माधव दलन है, ताड़कांत कृत वेदांत पारे वेदात्मा भावबंधक वेषज है, दूषण त्रिशुरहरी त्रिमूर्ति त्रिगुण है, त्रयी त्रिरुक्म है, त्रिलोकात्मा पुण्य चारित्र कीर्तन है, त्रिलोक रक्षक है, धनवी दंडकर निवासकृत अहल्यपावन है, पितृभक्त है, वरप्रद है, जितेंद्रिय है, जितक्रोध है, जितलोभ है, जगत गुरु रीचमानव संघाती, चित्रकूट समासर है, जैन त्राणप्रद है, सुमित्र पुत्र सीमित है, सर्वदेवादिदेव है, मृत वानर जीवन है, माया मारी चिंता महाभाग महाभुज है, सर्वदेवस्तुत है, सौम्य ब्रह्मण्य मुनिषतम है, महाजी महोदार से गुरीश रजद है, सर्वपुण्यधिक फल है, इसमें सर्वागनाशन है, आदि पुरुष है, महापुरुष है, परमा पुरुष है, पुण्योदय है, महासार है, पुराण पुरुषोत्तम है, स्मित वक्त है, मितभाषी पूर्ववासी राघव है,
अनंत गुण गंभीर है, धीर उदय गुणोत्तर है, माया मानुष चरित्र महादेव पूजित है, सेतुकृत जिते बारे से सरतीर्थ में हरि ही श्यामांग है, सुंदर है, सूर है, कितवासा धनुर्धर है, सर्वज्ञ दीप है, यज्ञ है, जयरामा नमर्जित है, शिवलिंग प्रतिष्ठाता सर्वागण वर्जित है, परमात्मा परम ब्रह्म सचिदानंद विग्रह परम ज्योति परम धाम पराकाश है, परात्पर है, परेश है, पार्ग पार है, सर्वभूतात्मक शिव। तो देवी ये 108 नाम है, इनका जाप करने से या रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पति नमः है इस मंत्र का भी जाप करने से वह जातक वह भक्त वैष्णव बन जाता है, उसके समान कोई दूसरा होता नहीं है, उसका तेज अमोघ हो जाता है, उसके घर में चंचला लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है, जल स्थल बन जाते हैं, नवग्रह अनुग्रह करने लगते हैं और जितने भी शत्रु हैं सब मित्र बन जाते हैं। उसकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं होती जो पूर्ण नहीं हुई हो, अतः इसके जाप से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कल्पों कल्पों के पाप मिट जाते हैं और वो भगवान विष्णु का परम प्रिय बन जाता है। इन 108 नामों की महिमा बताई थी और ये कहा कि जो ये हमारा संवाद सुनेगा वो पाप मुक्त होकर जैसे गंगा नदी में स्नान करने के पश्चात आदमी परम पवित्र हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही वह परम पवित्र हो जाएगा। तो दोस्तों मित्रों, यदि आप भी लक्ष्मी की समस्या से, धन की समस्या से अगर पीड़ित चल रहे हैं तो आपको इन 108 नामों का जाप अवश्य करना चाहिए। आप एक बार इन नामों को अपनाइए और जप कीजिए। आपकी कितनी भी खराब कंडीशन क्यों ना हो, आपके लिए कहीं ना कहीं से धन का मार्ग अवश्य खुलेगा, धन वृद्धि होगी और आपका समय अगर विपरीत चल रहा हो तो उसमें आपको ईश्वर कोई ना कोई मदद अवश्य करेगा। ये जांचा परखा हुआ है, मैं स्वयं जाप करता हूँ इसलिए आप लोगों के सामने उपस्थित कर रहा हूँ, सामने लेकर आ रहा हूँ, आप भी जाप कीजिए। और जो भी वैष्णव जन हैं श्री हरि की भक्ति करते हैं उनको आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही दिव्य नाम है, आप भी इस चीज़ का फायदा उठाइए। तो दोस्तों ये तो थी हमारे शास्त्रों के अनुसार बातें। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल कमेंट बॉक्स में दीजिए, सेंड कीजिए, कोई भी 3 सवाल आप पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसका तसल्लीपूर्वक उत्तर दिया जाएगा वीडियो के रूप में। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जुड़े रहिए, ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।